नमस्कार, इस सावधान इंडिया महा मूवी में मैं सुशांत सिंह और मैं हितेन तेजवानी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। गुनाह के पांव जब देश की सीमा से बाहर निकल जाएं, तो अक्सर कानून के लिए चुनौतियां बहुत बड़ी हो जाती हैं और फिर अपराधी कानून के साथ आंख मिचौली का खेल खेलता है और जुर्म किसी भी रूप में कहीं भी अपनी दस्तक दे जाता है, फिर वो चाहे देश हो या परदेश। जुर्म की इन्हीं गहरी फैली जड़ों से निकली है हमारी आज की महामूवी, जो ऐसे अपराधियों के चेहरों से रूबरू कराएगी आपको जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। क्यों परेशान कर रहे हैं बच्ची को, दे दीजिए ना उसे बॉल, मजा आता है ना बच्चों को छेड़ने में, क्यूट लगते हैं जब थोड़े से चिढ़ जाते, मजा आता है ना, चिढ़ते हैं। बचपन से ही आप बहुत शरारती रहे होंगे, बहुत मस्ती की होगी आपने, है ना? मैं तो करता था, तुम दूध की धूली थी क्या? शरारत नहीं करती थी? पूछो आए बाबा को फोन कर, न जाने कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी होगी बाबा को तुम्हारी वजह से, शिकायतें आती होगी, नेहा ने ये चुरा लिया, नेहा ने ऐसे किया। हाँ नेहा, क्या बात, मैंने देखा है मैं जब भी बाबा का जिक्र करता हूं तुम सहम सी जाती हो, बात करने से कतराती हो, कोई प्रॉब्लम है? ऐसा कुछ है जो मुझे पता होना चाहिए और नहीं पता? ठीक है, मैं ले आता हूं। My wife was sitting there with a small child. Have you seen? Why don't you check in the house? Ma'am, is there a lady inside my wife with this Indian sari and a small child? Excuse me. Yes, sir. My wife was sitting there with a child, a small child, a small baby, in a red sari, red and black. Yes. You see her somewhere? Yes. The table, sir? Yeah, yeah, there, there. I see her going to outside with a man. With a man? Yes, sir. Small baby. Yes, sir. It's a man. Yes. Thanks. Welcome, sir. Sadaj, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मेरी बीवी लाल रंग की साड़ी पहनकर यहाँ से गई, क्या छोटा बच्चा था? अब भी यहाँ से निकले? पर बच्चा नहीं तो उनके साथ। Thank you. अरे तू पागल हो गया, हमारे होते हुए पुलिस क्या करेगी? हमारे लोगों ने पूरा शहर छान मारा है दो घंटे में, नेहा और बच्ची का कहीं पता नहीं, मुझे लगता है किसी दुश्मन गैंग के काम। हाँ चाचा, मुझे उससे क्या लेना देना है? अगर मुझसे दुश्मनी थी तो मुझसे निपटते, मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत कैसे की उन्होंने? अरे तू टेंशन मत कर, मैं देखता हूँ ना, फोन दे। हेलो, हाँ मैं खान बोल रहा हूँ। हुकुम करो खान भाई। ध्यान से सुन, रैनी की बीवी नेहा और उसकी बेटी दोपहर से गायब हैं।
ये किसी बाहर वाले का नहीं, किसी लोकल गैंग का काम लगता है। मुझे पहले नेहा और उसकी बेटी चाहिए। समझ गया खान भाई। बोल। नो, नो, आई डोंट नो। खम्बे इनको बहुत मारा है, ये तो अपनी माँ की कसम खा रहे हैं, इनको कुछ मालूम नहीं। अगर इनको मालूम होता तो अब तक बता देते खान भाई। चल ठीक है। रानी, कुछ पता नहीं चला, ये यहाँ के लोगों का काम नहीं। तो फिर क्या हुआ? मेरी नेहा और माया कहाँ गए आखिर? तूने घर में चेक किया क्या क्या गायब है? हाँ, नेहा और माया का सारा सामान गायब है, मेरा सब कुछ वैसा का वैसा ही। और पैसे? मेरे पास हवाला के 2 करोड़ रुपए थे। खान चाचा, विदेशी आर्मी में मेजर डैनी यानी धनंजय शिंदे अभी इन सवालों से उलझा ही हुआ था कि एक और सवाल उसके सामने आ खड़ा हुआ। घर में तितर बितर सामान और करोड़ों डॉलर गायब। पर एक सवाल यह भी था कि आखिर एक आर्मी ऑफिसर के घर इतने डॉलर आए कहां से? क्या था राज इस सब का? खुदा, तुझे पता है किसके पैसे थे? लाला भाई, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। क्या हुआ? लाला भाई, डैनी की बीवी और बच्ची दोपहर से गायब है और वो हवाला के 2 करोड़ रुपए भी गायब है। ऐसा लगता है उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया। लाला भाई फिक्र मत कर खान, लाला का पैसा किसी को नहीं पसता। देखना, मेरा पैसा मेरे पास वापस आएगा। और सुन, डैनी को बोलना कि वो लाला के वास्ते काम करता है। लाला के वास्ते उसके लोग ही उसकी फैमिली है, समझा? बच्चे नहीं होएगा उसकी बीवी को। ठीक है लाला भाई। बस सुनो मामू की औलाद। जी बाबा। बहुत मजे कर लिए बैठे बैठे, अब बाहर निकालो, कुछ काम धाम की तैयारी कर। खान चाचा, रौफ, लाला, हवाले की रकम, ये सब तो अंडरवर्ल्ड से जुड़े कुछ नाम लगते हैं। इन सब का डैनी से आखिर क्या वास्ता था? इन सारे सवालों के जवाब सन 1989 में छिपे हैं, जब डैनी एक बैचलर था और जिंदगी उसके कदम चूमती थी। बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ धनंजय। हाँ, एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। ऊंचा बोल, सुना नहीं दे रहा है। कम ऑन। अरे अरे कहाँ? आई सी यू। यार एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ धनंजय। ओए धनंजय कौन है? डैनी नाम है मेरा, डैनी। हांगकांग में पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ हूँ। यहाँ के लोग मुझे डैनी बुलाते, तू भी डैनी बुला, समझा? अब बता प्रॉब्लम क्या थी? यार 20 ग्राम माल पड़ा हुआ है मेरे पास। यहाँ की पुलिस को शक हो गया कि ये माल किसी के पास है यहाँ पे। अगर पुलिस के हत्थे में चढ़ गया ना तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी यार। पुलिस के रिकॉर्ड में मेरा नाम आ जाएगा। अरे पुलिस जानती है तुझे? अब तक तो नहीं। तो टेंशन क्या है, माल दे। ये ले।
स्टॉप द म्यूजिक. नो वन मूव्स. वी वॉन्ट टू सर्च एवरी वन. हे गर्ल, कम हियर. What's there in your bag? Show me. So you like chocolates? I like lot of other things. You want to know? डैनी का शातिर दिमाग देखते हुए रघु ने उसे अपनी एक और समस्या का हल निकालने के लिए कहा. ये सोना मुझे इंडिया स्मगल करना है. इंडिया में ड्यूटी बहुत लगती है, इसलिए हम लोग यहीं से सोने की स्मगलिंग करते हैं और बहुत माल बनाते हैं. लेकिन अभी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है. कस्टम वाले इंडिया में बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं, बहुत चेकिंग करते हैं, हर एक माल चेक करते हैं. हमारा काफी माल भी पकड़ा गया है. हमने हर एक तरीका आजमा के देख लिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है. हम कुछ भी करें, लेकिन कस्टम वाले हमारा माल पकड़ ही लेते हैं. अब तू बता, तू कुछ कर सकता है? तू इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करता है ना? फ्रिज, टीवी? हाँ, लेकिन वो तो ड्यूटी भर के जाता है. और वैसे भी उसका सोने की स्मगलिंग से क्या लेना देना? तू सवाल बहुत पूछता है. डैनी के शातिर दिमाग ने वो कर दिखाया जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था. उसने सोना लेकर उस पर चांदी का स्प्रे कर दिया और उसे टेलीविजन के अंदर के सर्किट्स के साथ फिक्स कर दिया. और उसकी ये तरकीब कामयाब भी हो गई. ये ले रखो. अब तू इस टीवी को इंडिया एक्सपोर्ट कर. ड्यूटी पर किसी के बाप की औकात नहीं. तेरा माल पकड़ लें. भाई कमाल है, बहुत स्मार्ट है तू. तू हाँ चाचा, ये डैनी. हाँ जानता हूँ इसे मैं. इसने भी तेरी बहुत तारीफ की है. और तेरा कमाल तो मैंने अब देख ही लिया. वैसे आजकल करता क्या तू? दो महीने में मेरी कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद बेरोजगार हूँ. ठीक है, उसके बाद हमारे साथ पार्ट टाइम में धंधा कर ले, अच्छे पैसे मिल जाएंगे तुझे. कितने अच्छे खान चाचा. तुझे कितना चाहिए? आप रघु को जितना देते हैं उससे $1 ज्यादा. डैनी को शायद पहली बार एहसास हुआ कि पैसा आसानी से भी कमाया जा सकता है. उसके हाथों जिंदगी का शॉर्टकट लग गया था. उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां से उसे अपनी दिशा तय करनी थी, और दुर्भाग्यवश उसने गलत दिशा का चुनाव किया. दूसरी तरफ डैनी के माता पिता उसकी हरकतों से बेखबर उसके लिए सुनहरे भविष्य के सपने बुन रहे थे. पसंद आई? इंडिया की है, बॉम्बे की. इंडिया में रहती है? अच्छी. पसंद आई? देखो, लड़की पसंद आई, आप बात कर लीजिए उनके साथ. पहले उसकी आर्मी की ट्रेनिंग तो पूरी हो जाए, उसके बाद बात करेंगे. लेकिन आप क्यों परेशान हो रहे? 2 महीने के बाद इसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी. बस बस उसी दिन का तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब इसकी ट्रेनिंग खत्म हो, ये हमारे बिजनेस में ज्वाइन करे. डैड, I'm sorry, लेकिन मैं आपका बिजनेस ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा. क्या तुम मेरा बिजनेस ज्वाइन नहीं करोगे तो क्या करोगे? आर्मी की ट्रेनिंग खत्म करूंगा, उसके बाद प्रोफेशनली आर्मी ज्वाइन करूंगा. वाह, खुद का बिजनेस छोड़ करके तुम लोगों के ऑर्डर लोगे हैं? ये कहां की समझदारी है?
तुम्हारे सिवा मेरी कोई औलाद भी तो नहीं है। डैड, बिजनेस प्लानिंग के साथ साथ आपको फैमिली प्लानिंग के बारे में भी सोचना चाहिए। खैर, अब तो बहुत देर हो गई नहीं? जो जी मैं करो, क्या इनका तुम मुझसे एक भी पैसे की उम्मीद मत रखना। That's all. ये क्या तरीका हुआ अपने डैड से बात करने का? मॉम प्लीज, सुबह सुबह तुम भी ज्ञान मत बांटो प्लीज। जा रहा हूँ। बैठ, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले बता, शादी करेगा कि नहीं? इंडिया वाली, मैंने कब मना किया? कर लूंगा। तो डैनी तू बॉम्बे जा रहा है लड़की देखने? भाई इतनी भी क्या जल्दी यार, और यहाँ की इतनी सारी लड़कियों को छोड़कर हिंदुस्तान में पली बड़ी लड़की से शादी क्यों करना चाहता है? अगर मैंने हिंदुस्तानी लड़की से शादी की तो मुझे बार बार इंडिया जाने का मौका मिलेगा। अगर मैं बार बार इंडिया गया तो फायदा किसका होगा? ठीक है, बॉम्बे जाएगा ना तो वहाँ लाला भाई से मिलेगा। मैंने उन्हें तेरे बारे में सब कुछ बता दिया, और जो सामान यहाँ से जाने वाला वो मैं तेरे घर पहुँचा दूँगा। मुंबई पुलिस। चल, स्मगलिंग करता है? बता, बता किसके लिए काम करता है? पता है, किसी के लिए नहीं करता हूं यार, सच कह रहा हूं। आप आपने बोला शादी करने के लिए, तो आपकी बंबई में लड़की देखने आया। ज्यादा होशियार मत बन, चुपचाप बता तू किसके लिए काम करता है। देख, तो ऐसे नहीं बताएगा, तेरी खातिरदारी करनी पड़ेगी। तेरी तकलीफ कम होगी। तेरे को थोड़ा बहुत तकलीफ हुआ होगा, सॉरी बोलता है मैं। वैसे इतना मार खाने के बाद भी तू कुछ नहीं बोला, बहुत दम है तेरे में। उतार इसको। तू चालाक है, जिगरे वाला है, सचमुच में बहुत बड़ा कलेजा है तेरा। खान ने फोन पे मेरे को बोला था, उसने एक हीरे को चुना, एकदम सही बोला था वो। तू अपन के धंधे के वास्ते फिट है, एकदम फिट। वेलकम टू बॉम्बे। अपन के धंधे में लोग अपने को लाला भाई बोलते हैं। क्या लाला भाई? लाला भाई, आपकी अंगूठियां बहुत मस्त हैं। कहां से लिए? ए, येड़ा है क्या? पता किससे बात कर रहे तू? पता है, लाला भाई से। अरे अंगूठियां अच्छी है इसलिए बोला, मुझे भी लेनी है इसलिए पूछा। पसंद आई तेरी हिम्मत। वैसे किसके वास्ते लेनी है तेरे को ये अंगूठी? मेरी होने वाली बीवी के लिए। मस्त है, तू खड़ा हो जा। सुन, मैं तेरे को एक मस्त वाली इंपोर्टेड अंगूठी देगा, तो फिर मैं दे देना अपनी वो होने वाली वाइफ को।
धनंजय बेटा, तुम्हारे आई बाबा भी आते तो एक ही बार नेहा को भी देख लेते। हाँ, वो बाबा दरअसल बिजनेस के किसी काम में अटक गए थे। आई बाबा के बिना कहीं जाना आना पसंद नहीं करती हैं। लो, ये बस बस। बेटा, नेहा को हमने वो हर संस्कार दिए हैं जो एक शालीन घर के बहू बेटी में होने चाहिए, लेकिन बेटा हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारे मन में कई बातें होगी जो तुम नेहा से पूछना चाहते हो, तो बिना हिचकिचाए पूछ सकते हो। पूछना तो चाहता हूं, लेकिन ना। अकेले में सुनो, तुम्हें इस शादी से एतराज तो नहीं? कैसा एतराज? शादी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला होता है, गलत इंसान से हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए सोच समझ के फैसला करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? ये क्या है? क्यों, हमारी शादी तय करने आया हूँ? शादी नहीं करोगे? मैं पसंद हूँ आपको। जब से तुम्हारी फोटो देखी थी ना, तब मैं पसंद हूँ तुम। क्या कर रहे हैं आप? भाई, जो अपनी होने वाली बीवी के साथ करना चाहिए। अरे शादी तुम्हीं से करूंगा। डैनी के लिए शादी करने का कोई और मकसद जरूर था, लेकिन नेहा से मिलने के बाद उसे उसकी सादगी और भोलेपन से प्यार हो गया। डैनी के माता पिता को खबर भिजवाई गई, शादी की तैयारियां जोर शोर से चलने लगी और कुछ ही समय बाद सारे रस्म और रिवाज के साथ डैनी और नेहा की शादी हो गई। नेहा के पिता ने शादी में अपनी हैसियत से बढ़कर खर्चा किया, क्योंकि वो अपनी इकलौती बेटी के लिए एक ऐसा जीवन साथी ढूंढ कर लाए थे जो अच्छे घर का था, इज्जतदार नौकरी में था, NRI था और उनकी बेटी को बेहद प्यार करने वाला था। उन्हें कोई शक नहीं था कि नेहा पूरी जिंदगी राज करेगी। आई अगली बार तेरे लिए नया टीवी ले आऊंगा मैं। बेटा, इसमें शादी के कुछ तोहफे हैं। बेटा, नेहा को साथ लेके कब जा रहे हो? अरे आई, बिना पासपोर्ट के कैसे लेकर जाऊं? पासपोर्ट बनने दिया है, जल्दी बन जाएगा और जैसे बन जाएगा मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। कौन है? अरे राव भाई, ये तेरे बाकी के सामान के साथ जाएगा। ठीक है जी। बेटा क्या है इसमें? ये वो तोहफे हैं बाबा, मेरे कुछ दोस्त शादी पर नहीं आ पाए थे तो उन्होंने तोहफे भेजे। ये रौफ भाई है हमारे दोस्त,
आए बाबा। नमस्ते। ये भी सामान के साथ जाएगा? नहीं, ये तेरे जोरू के लिए बड़े भाई ने भेजा है। ठीक रहो। खुदा हाफिज़। ये आई तेरी नेहा के लिए। क्या हुआ? बुरा लग रहा है कि मैं जा रहा हूँ? मेरे बुरा लगने से आप रुक जाएंगे? नहीं, जाना तो पड़ेगा, छुट्टी खत्म हो गई। भरोसा है ना मुझ पर? नेहा के लिए डैनी उसका पति था, लेकिन नेहा की आंखों में एक नई नवेली दुल्हन वाली चमक नहीं थी। बहरहाल डैनी के जाने के एक महीने बाद नेहा भी अपनी नई जिंदगी शुरू करने उसके पास विदेश चली गई, और समय के साथ साथ उसने खुद को डैनी की जिंदगी के मुताबिक ढाल लिया। डैनी भी उसके प्यार में डूबता चला गया, और वो नेहा को वो हर खुशी देने की कोशिश करता रहता जिससे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। टैक्सी कर ले। मुझे आपके साथ चलना बहुत अच्छा लगता है, हम थोड़ी देर चल सकते हैं साथ में? हाँ। अच्छा, हाथ पकड़ो फिर चलूंगा। आपको मेरी वजह से बहुत शर्मिंदगी महसूस होती होगी ना? ऐसा क्यों सोचती? वो मैं चलती हुई सीढ़ी ऊपर नहीं चढ़ पाती, स्कर्ट और टॉप भी नहीं पहन पाती। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे ये सोचने की जरूरत तुम्हें नहीं। तुम जैसी हो, जो भी हो, मुझे बहुत अच्छी लगती। और रही बात यहाँ के तौर तरीके सीखने की, तो वक्त के साथ वो भी सीख जाएंगे। सुधीर, सुधीर, अरे तू इतने क्या करता है? ये मेरे पति हैं, ये मेरा दोस्त है, शादी में मिलवाया था। वो आप बहुत लोगों से मिले थे ना, तो आप भूल गए होंगे। सुधीर, नाइस टू मीट यू। और सॉरी, मैं वो याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली शादी। अरे कोई बात नहीं, इतने सारे लोगों में एक इंसान को याद रखना मुश्किल होता है। वैसे हांगकांग कैसे आना हुआ, घूमने काम से या फिर? एक्चुअली एक बार बता देते, आए बाबा ने बताया नहीं। अरे नहीं, वो अचानक से प्रोग्राम बना, कई दिनों से सोच रहा था कि काम को बढ़ाओ, तो बस उसी के लिए। अरे हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई, सुधीर की मुंबई में एक छोटी सी जेवर की दुकान है। जी, बस उसी की खरीदारी के लिए मैं यहाँ आया था। गोल्ड खरीदने आओ? जी। समझो तुम्हारा काम हो गया, जितना चाहो जिस दाम पे चाहो गोल्ड मैं दिलाऊंगा। यहाँ के टॉप गोल्ड ट्रेडर्स मेरे दोस्त हैं। थैंक यू सो मच सर। सर नहीं, धनंजय, एक्चुअली कॉल मी डैनी, माय फ्रेंड्स कॉल मी डैनी। ओके डैनी। और आए हो तो घर पे खाना? अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम्हें आना ही पड़ेगा, अगर तुम नहीं आए ना तो ये अपने दोस्तों से बात ही नहीं करेंगे, सोच लो। फिर तो आना ही पड़ेगा। सुधीर, नेक्स्ट टाइम जब आओगे ना, अब्दुल भाई के पास चलेंगे, वो सबसे बेस्ट रेट्स देते हैं। बस वो अभी इंडिया गए हुए किसी काम से। अच्छा। अरे सुधीर, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो, ये लो। अरे नहीं नहीं, एक ही दिन में पूरे साल भर का खाना खिलाओगी क्या? सुधीर हाथ हटाओ, ये लो। बस बस बस। वैसे धनंजय जी, थैंक यू सो मच, आपने जितने नंबर्स दिए थे काफी हेल्पफुल थे, मुझे वाकई में सोना बहुत कम रेट में मिला। ग्रेट। दो बात, पहला धनंजय जी नहीं धनंजय, और दूसरा थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं, नेहा के दोस्त हमारे दोस्त।
आप अकेले हैं? आपकी वाइफ नहीं है? आंटी मैंने शादी नहीं की अभी तक। क्यों? Excuse. देख बेटा, नेहा का उसके पुराने दोस्त के साथ मिलना जुलना मुझे अच्छा नहीं लगता, और घर आना जाना बिल्कुल नहीं। हाँ, पर उसकी शादी हुई होती। मॉम 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 मॉम, एक मिनट, आप सुन रहे हो? आप क्या कह रही हो? क्या बोल रही हो? दे आर जस्ट गुड ओल्ड फ्रेंड्स। अगर मेरे दोस्त इस घर में आ सकते हैं तो उसके क्यों नहीं? और घर पे मिल रहे हैं ना, बाहर छुप कर थोड़ी मिल रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? देख बेटा, मैं विदेश में जरूर रही हूँ, लेकिन मेरा दिल अभी भी हिंदुस्तानी है। अच्छे घर की बहू बेटियों का गैर मर्दों के साथ मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और घर आना जाना तो बिल्कुल भी नहीं। इतने महीनों में मैंने कभी उसको इतना खुश नहीं देखा। देखा सुधीर के साथ कैसे हंस बोलकर बात कर रही थी? मेरे घर में ऐसा कभी नहीं चलेगा। नेहा के दोस्त मेरे दोस्त हैं, और मेरे दोस्त कभी भी घर में आ सकते हैं, जा सकते हैं, उन पर रोक टोक मुझे अच्छी नहीं लगती। और रही बात आपके घर की, शायद आपके घर पे अलाउड नहीं है, लेकिन मेरे घर पे ये अलाउड होगा। मुझे अपना घर ले लेना चाहिए। कैसा है? अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा नहीं, कड़क है। लेकिन लेकिन इस नए घर की क्या जरूरत थी? हमारा वो घर है ना? वो हमारा घर नहीं है नया, वो आई बाबा का घर है। तो वहां कब तक रहेंगे? नहीं, ऐसे कैसे, वो है तो आपके आई बाबा, ऐसा ठीक नहीं लगेगा। नेहा, आई बाबा पुराने विचारों के लोग हैं, वो हमें समझ नहीं पाएंगे। लेकिन सुन लो, उन्हें सुधीर के घर आने से प्रॉब्लम हुई थी, अपनी बहू के दोस्तों को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, खासकर जब वो मर्द हो तो। ये बातें लग सकती है अभी छोटी है, लेकिन कब बड़ी बन जाए ना पता भी नहीं चलेगा। जहां तक रही अकेले रहने की बात, तो तीन लेन दूर घर है, जब चाहो चली जाना। और कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ये लेकिन वेकिन अगर मगर किंतु परं खिड़की से बाहर नहीं। अरे भाई, मैं भी तो जिंदगी जीना चाहता हूँ। आपको ड्यूटी पर नहीं जाना? चले जाएंगे ड्यूटी पर। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि आज शाम को हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं। चले। डैनी की मां ने सुधीर और नेहा को लेकर जो चिंता उससे जाहिर की थी, उसे दरकिनार करते हुए डैनी ने अपना घर बदल लिया। हिंदुस्तान में बड़ी हुई और परिवार के महत्व को समझने वाली नेहा को शायद यह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसके लिए अपने परिवार की अहमियत अपनी निजी जिंदगी से ज्यादा बड़ी थी। इसीलिए वो अपने पति के सामने चुप रही और डैनी की इच्छा को अपना ली। तुम्हारे लिए। ये किस खुशी में? अपनी बीवी के लिए दीवानगी, प्यार। ये एक और हार? ये सब क्यों? क्यों? तुम्हें अच्छा लगता? इतने सारे जेवर क्यों? इतने सारे जेवर तुम पर सूट करते हैं। अब इतने सारे सवाल पूछना बंद करो और जाके बैग्स पैक करो। आप कहीं जा रहे हैं? मैं नहीं, हम बॉम्बे जा रहे हैं।
हम बॉम्बे जा रहे हैं। मैं आई से कितने दिनों के बाद मिलूंगी। मैं भी आती हूँ। हेलो ऑफिसर। हेलो हेलो मैम, अपने गहने आना जी, दर्ज करा लीजिए आप। सॉरी है। अरे नहीं बाजी, सॉरी क्यों, ड्यूटी पहले आती है, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज। सर ड्यूटी की बात बोलते हैं ना, ये आर्मी वालों से सुनने को मिलती है सर। कुछ ज्यादा पहन कर, शादी हुई ना अभी अभी तो थोड़ा, ये भी गोसो स्टैम्प कर दीजिए। ये सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। राइट थैंक यू क्यों? मुझे अपने आई से मिलवाने के लिए। इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। पैसों के लालच में डैनी इस हद तक गिर गया था कि उसने अपनी पत्नी नेहा को भी अपने तस्करी के धंधे का मोहरा बना दिया। वो अक्सर नेहा को असली गहने पहनाकर भारत लाता और फिर हूबहू वैसे ही नकली जेवर पहनाकर वापस विदेश ले जाता। नेहा अपने पति की काली करतूतों से अनजान थी। अगर वो कभी गहनों के बारे में पूछती भी तो डैनी उसे खानदानी जेवरात बताकर बात डाल देता या फिर कह देता कि वो गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, और भोली भाली नेहा इसे सच मान लेती। और फिर आखिर जिस औरत का पति विदेशी आर्मी में मेजर हो उस आदमी पर तस्करी का शक कौन करेगा? लेकिन एक दिन एक हादसे के बाद हालात बदल गए। मैं नेहा बोल रही हूँ, वो है। तूने पुलिस को फोन तो नहीं किया? नहीं, ड्रॉअर में इतने सारे पैसे हैं, आप जल्दी से पुलिस को फोन कर लीजिए, वरना हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। ये लीजिए, आप भी ना, मैं ही पुलिस को फोन कर देती हूँ। आप नहीं समझ रहे, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अरे क्या कर रही हो, पुलिस को फोन करने की जरूरत नहीं है। अरे लेकिन वो पैसे हमारे हैं। हमारे हैं? आप मजाक क्यों कर रहे हैं? मैं जानती हूँ कि आप आर्मी में मेजर हैं, आपकी सैलरी मुझे पता है, और आप कह रहे हैं कि पैसे हम... मेरा यकीन मानो, वो पैसे हमारे ही हैं। अच्छा पैसे हमारे हैं, तो इतने सारे पैसे हमारे पास कहाँ से आए? ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। क्या जानने की जरूरत नहीं, मतलब मुझे जानने की जरूरत है, कहाँ से आए वो पैसे, किसके पैसे हैं वो? आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? नेहा प्लीज। किसके पैसे हैं, कहाँ से आए वो पैसे, आप मुझे बताइए, मैं जानना चाहती हूँ कहाँ से आए। स्मगलिंग के हैं वो पैसे। क्या क्या कहा आपने? नेहा मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ, परेशान मत हो,
हाँ वो पैसे स्मगलिंग के हैं, लेकिन वो पैसे हमारे ही। मैं इंडिया में गोल्ड स्मगल करता हूँ। लेकिन आप तो हाँ, मैं आर्मी में मेजर हूँ। सही है। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। पूरी सच्चाई ये है कि मैं आर्मी में मेजर हूँ सिर्फ दिखावे के लिए। वर्दी की आग में मैं तस्करी करता हूँ और किसी को शक नहीं होता है। तो क्या आप फौज में नौकरी स्मगलिंग करने के लिए करते हैं? क्या इसीलिए आपने मुझसे शादी की? नहीं नहीं नेहा,